डिब्रूगढ़ से इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। चंद पैसों के लिए अपने नवजात को बेचने की तैयारी करने वाले एक अभिभावक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 90,000 में डिब्रूगढ़ के अब्दुल अजीज और उसकी पत्नी अपने नवजात को बेचने की फिराक में थे, लेकिन एक पत्रकार की तत्परता के चलते पुलिस ने उनकी कोशिशों को नाकाम कर दिया। दोनों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तो ये काफ़ी बड़ी खबर सामने आई है जो इंसानियत को शर्मसार कर दे। चंद पैसों में अपने नवजात को बेचने की कोशिश की है अभिभावकों ने, हालांकि बेचने में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन पूरी फिराक में थे अपने नवजात को बेचने के लिए। 90,000 रुपये में डिब्रूगढ़ के अब्दुल अजीज और उसकी पत्नी अपने नवजात को बेचने की फिराक में थे। एक पत्रकार की तत्परता के चलते ही पुलिस ने उनकी इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। शिवसगर सांबादिकजने फोन करे केचुआटा महिला केचुआटार ट्रेफिकिंग हमले गई आज बिक्री 91,000 टकत ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয়েছিল। ডিব্ৰুগড় জেলার যে আরক্ষী ভারপ্রাপ্ত বিষয়া আছে তেখেতলোকে আমাক পুলিশক যথেষ্ট সহায় করেছিল। আর গ্রেহেম বজাৰৰ পৰা আমি সেই দম্পতিহালক আমি মটুৱাই আনিছিলোঁ। তারপরে আমার গাড়ি ভয় আমি ডিব্ৰুগড় সদর থানাত আনি সমজাই দিই। তেখেতে মোক 1,00,000 টাকা কৈছিল কেঁচুৱাটি, কিন্তু মই তেখেতলোকক 90,000 টাকা দিম বলে চুক্তি করেছিল, আর সেই চুক্তি মতে তেখেতলোকে 90,000 টাকাতে মোক বিক্রি করবলে আহিছিল।